कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीजियर कर्व के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में, जिससे आपका पूरा का पूरा जो आइडिया है बीजियर कर्व को लेके वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पे क्या बोलेगा, देखिए क्वेश्चन एकदम सिंपल होंगे, हर बार इसी टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे। देखिए क्या बोलेगा, कैलकुलेट एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द बीजियर कर्व डिस्क्राइब्ड बाय द फोर कंट्रोल पॉइंट। यहाँ पे चार कंट्रोल पॉइंट आपको दिया है, ये 1, 2, 3 और 4। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखिए, हम लोग कंट्रोल पॉइंट को इस तरीके से प्लॉट कर लेंगे। बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे मैं प्लॉट कर दिया हूँ, ये मेरा 0.0। हम अच्छे से जानते हैं बीजियर कर्व का एक बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी होता है कि वो पहले और लास्ट वाले कंट्रोल पॉइंट से पास हो गई होगा। तो पहले और लास्ट वाले कंट्रोल पॉइंट से, ये मेरा कर्व नहीं है ना, ये मेरा बीजियर कर्व नहीं है, ये क्या है, ये मेरा कॉन्वेक्स हल है जिसके अंदर मेरा कर्व लाय करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या, x0 of 0 मतलब अभी मेरा ये पहला कंट्रोल पॉइंट के बारे में बात कर रहा है, x0 of 0 = 0 और y of 0 = 0। ठीक है, ये हम लोग का प्रॉपर्टी था x, मतलब यहां से इसका मतलब क्या है, ये मेरा जो कर्व है ये यहां से स्टार्ट हो रहा है और ये जो मेरा कर्व है यहां पे खत्म हो रहा है 1। ठीक है, एट t = 1 यहां पे मेरा कर्व खत्म हो रहा है 4.0 पे। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करना होगा, अब देखिए यहां पे सबसे पहले मैं लिया हूं नंबर ऑफ स्टेप्स, यहां पे मैं लिया हूं 5। आप जितने ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स लेंगे उतना ही प्रिसाइज आएगा आपका कर्व। ठीक है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप लेंगे उतने ज्यादा कोऑर्डिनेट पॉइंट आएंगे और उतना प्रिसाइज आपका कर्व आएगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या करना है, इंक्रीमेंट निकालना है u में। कैसे निकाला जाता है, तो डेल u इज़ इक्वल टू होता है 1/(number of step - 1)। ठीक है, तो इसको हम लोग यहां पे इंक्रीमेंट निकाले, 1/(5 - 1)= 1/4, तो 0.25 का हर बार मेरे को इंक्रीमेंट करना होगा। तो मेरे को क्या करना है, 0 से लेके 1 तक के मेरे को हर बार क्या करते जाना है, इंक्रीमेंट करते जाना है। कैसे, 0.25 मेरा इंटरवल है, तो 0 से लेके 0.25, फिर 0.5, फिर 0.75, फिर 1.00। इसके लिए अपने को एक्स वाई कोऑर्डिनेट दोनों की वैल्यू निकालना है। ठीक है, डेल यू का वैल्यू ये आ गया जिसका रेंज 0 से लेके 1 तक के है। ठीक है, वी विल फाइंड द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट फॉर यू इज इक्वल टू, ये सारे यू वैल्यू के लिए अपने को एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। कैसे निकालना है, अब देखते हैं उसको। देखिए एज द नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट, यहाँ पे चार कंट्रोल पॉइंट दिया है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, 1 जस्ट उसका कम। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 3 हो गया। अब वैल्यू ऑफ i, जो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से ब्लेंडिंग फंक्शन लिखते थे पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था, b ऑफ i कॉमा n ऑफ u इज इक्वल टू nci u का पावर i, ये जो है वो पावर में चला गया, 1 - u का पावर n - i, इस तरीके से हो जाते हैं। ठीक है, अब n इज इक्वल टू 3 है, i का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक के यहाँ पे लाया करता है, 0 से लेके n तक के, n कितना है मेरा 3 है, तो 0 से 3 तक के लाए करेगा। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे 0 से लेके 3 तक के काम करना है। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पे ब्लेंडिंग फंक्शन निकाल रहे हैं, देखिए b ऑफ 0.3 ऑफ u इज इक्वल टू, बस फॉर्मूले में पुट करना है। कैसे पुट करना है, आपको मैं प्रीवियस वाले वीडियो में यही एग्जैक्टली निकाल के दिखाया था। ठीक है, चार कंट्रोल पॉइंट के लिए जो हमारा बीजियर पॉलिनोमियल इक्वेशन आता है कुछ इस तरीके का आता है, बिल्कुल वही आइडिया है। कैसे डालें हम लोग, कुछ नहीं, जल्दी से देख लो, 3c0 u का पावर एग्जैक्टली ये और 1 - u का पावर 3 - 0 ये आ गया। ठीक है, वैसे ये यहां पे भी हो जाएगा 3c1 u का पावर 1 1 - u का पावर 3 - 1, ऐसे करते जाएंगे। इस तरीके से हम लोग सारे के सारे ये निकाले और उसके बाद फिर ये हम लोग का इक्वेशन होता है। यहाँ पे बस हम लोग को इसका वैल्यू पुट करना है, ये p1 p2 p3 p4 क्या है, मेरे कंट्रोल पॉइंट है। ठीक है, चार कंट्रोल पॉइंट के लिए हमारा बीजियर पॉलिनोमियल इक्वेशन लिख दिए, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए द वैल्यू ऑफ यू रेंजेस बिटवीन, यू का वैल्यू जो है 0 से लेके 1 तक के रेंज कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मेरे चार कंट्रोल पॉइंट लिखा हुआ है, p1 p2 p3 p4, इसको मैं बोलूंगा x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4। अपने को x और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यही जो मैं इक्वेशन निकाला हूं, ये जो मेरा इक्वेशन आया है, यहाँ पे मैं कंट्रोल पॉइंट्स की जगह पे जब x1 x2 x3 x4 से इसको रिप्लेस कर दूंगा और y1 y2 y3 y4 से रिप्लेस कर दूंगा, तो मेरे को x और y का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, बिल्कुल वही चीज लिखा हूं। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, आपको अपने कैलकुलेटर का सहारा लेना है और आपको यहां पे निकाल के दिखाना है। वैसे बहुत सिंपल सी बात है कि हमारा जो बीजियर कर्व है ये वाले पॉइंट से और ये वाले पॉइंट से तो पास होना ही है। ठीक है, कौन-कौन से, फर्स्ट और लास्ट वाले पॉइंट से पास होना ही है, तो आपको इन दोनों के लिए निकालने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन फिर भी चाहे तो आप देख सकते हो कि यहां पे निकाल के देख सकते हो x और y का कोऑर्डिनेट। ठीक है, इस वाले के लिए वो एग्जैक्टली वही आने वाला है, सेम आएगा। ठीक है, यहां पे मैं कुछ नहीं किया हूं, देखिए x1 y1 ये x1 y1 की वैल्यू है, x2 y2 x3 y3 और x4 y4। ठीक है, u की वैल्यू आपको यहां पे लेते जाना है, u की वैल्यू क्या क्या लेना था आपको, 0 लेना था, फिर 0.25 लेना था, फिर 0.50 लेना था, फिर 0.75 लेना था, फिर 1.00 लेना। तो पहले मैं यहाँ पे 0 पे निकाल के देख लिया हूँ। ठीक है, इस पे नहीं भी निकालोगे तो भी चल जाएगा क्योंकि आपका बीजियर कर्व ये वाले पॉइंट से तो पास होना ही है उसको। ठीक है, तो ये हम लोग पहला निकाले, तो ये मेरा पहला पॉइंट आ गया। ठीक है, बीजियर कर्व का दूसरा पॉइंट 0.25 के लिए u का वैल्यू इसमें 0.25 डालोगे, x1 का वैल्यू ये, x2 का वैल्यू ये, x3 का वैल्यू ये, x4 का वैल्यू ये, इस इक्वेशन में डालोगे, कैलकुलेटर हाथ में रहेगा
जाएगा, तुरंत आप निकाल सकते हो। x ऑफ 0.25 ये आ जाएगा, y ऑफ 0.25, ठीक है, तो ये y है ना, ठीक है, y ऑफ 0.25 ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब वैसे ही हम लोग का ये x ऑफ 0.5 और y ऑफ 0.5 निकाले, x ऑफ 0.75 और y ऑफ 0.75 निकाले, तो ये मेरे जो आ गए ये कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे बीजियर कर्व के। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से इसको प्लॉट कर देना है, ये जीरो, उसके बाद फिर अंदाजे से यहाँ पे मैं प्लॉट किया हूँ, तो एकदम स्मूथ तो नहीं आया है, लेकिन आप अच्छे से थोड़ा प्लॉट करेंगे तो एकदम इसी टाइप का कुछ दिखने वाला कर्व आ जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप कंट्रोल पॉइंट भी यहाँ पे प्लॉट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्वेक्स हल भी बना सकते हो उन कंट्रोल पॉइंट को जोड़ के। बाकी मेन आपको क्या बनाना है, ये बीजियर कर्व बनाना है। आइडिया समझ में आया क्या करना था? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी सा आइडिया, अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा है तो आपको आराम से ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये दो क्वेश्चन है, ये एज एन असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल से आइडिया है, इनमें कुछ नहीं है, ठीक है। आपको बीजियर इक्वेशन लिखना है, यहाँ पे आपको तीन पॉइंट दिया है, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल बताना है और अपने को यहाँ पे कैलकुलेट करना है कोऑर्डिनेट वैल्यू यू इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ 0.5 के लिए, पूरी वैल्यू के लिए निकालने नहीं बोल रहा है यहाँ पे, एक वैल्यू के लिए, बहुत सिंपल। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ बीजियर कर्व पी ऑफ यू एट, ये सारे पॉइंट पे आपको निकालना है, चार कंट्रोल पॉइंट्स आपको दिया हुआ है, सेम वही क्वेश्चन है जैसा अभी आपको बताया, कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ, ठीक है, मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, बी स्प्लाइन, ठीक है, काफी डिस्कशन उस पर लगेगा हम लोग को, बी स्प्लाइन देखेंगे, स्प्लाइन को क्यों यूज करें इन प्लेस ऑफ बीजियर कर्व, ये हम लोग जानेंगे, और उसके साथ साथ हम लोग वहाँ पे बहुत सारे उसके टाइप्स वगैरह देखेंगे, यूनिफॉर्म नॉन पीरियोडिक, यूनिफॉर्म पीरियोडिक वगैरह, उसके मेरिकल थोड़े अच्छे खासे होते हैं, इतने एकदम सिंपल नहीं होते, थोड़ा समझने में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, लेकिन कोशिश करूंगा आपको बहुत ही आसान तरीके से उसको समझाऊं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं अपने अगले वीडियो में, अगला वीडियो मिस मत करना, थैंक यू।